आज संडे है, मैं थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ, नहाना हो गया है, पूजा हो गई है, सो नाउ आई एम रेडी फॉर ब्रेकफास्ट। बट आज हम लोगों का ब्रंच करने का मन है, विच मीन्स ब्रेकफास्ट और लंच का कॉम्बिनेशन। तो क्योंकि आज हम लोग कुछ थोड़ा सा बढ़िया खाना चाहते हैं, विच मीन्स अ चीट मील, छोले भटूरे। सो वी जस्ट वॉन्टेड टू हैव ओनली वन मील, बिकॉज अगर ब्रेकफास्ट में खाते हैं तो लंच नहीं हो पाना, और अगर लंच में खा ले तो डिनर नहीं हो पाना। सो इट्स बेटर टू हैव अ मील, सिंगल मील। सो वील हैव इट बाय 12 o'clock। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, छोला भटूरा डे, सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम से छोले भटूरे का क्रेविंग हो रहा था, एंड इट्स माई फेवरेट थिंग। सो अभी जा रहे हैं फटाफट से छोले भटूरे लेते हैं, दिखाते हैं आपको और फिर खाएंगे। सो आज जैसे कि आपसे कहा था, टुडे इज अ छोले भटूरा डे, सो आई एम हैविंग वन छोला भटूरा बिकॉज वन एट ए टाइम इज गुड, थोड़ा हैवी होता है इसलिए। और ये उसके साथ थोड़ी टिपिकल सब्जीज हैं, छोले हैं, छोले, दिस इज हाउ द प्लेट लुक्स लाइक। अनियन के बिना तो छोला भटूरा ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है फीका। इनके तो फेवरेट है और काफी टाइम बाद खा रहे हैं, बहुत टाइम फेवरेट है और बहुत टाइम बाद खा रहे हैं, लिटरली बहुत टाइम बाद खा रहे हैं, बट आई एम लविंग इट। मेरे मुंह पानी आ रहा है। सो वंस आई एम डन विद छोले भटूरा, आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। और आपको रोहित भैया कैसे लगते हैं छोले भटूरे? तो सो रोहित भैया को भी अच्छे लगते हैं। सत्यम तुझे? और मुझे भी अच्छा ही लगता है। तो हम लोग खाकर मिलते हैं। चलो करें, शुरू करें एवरीवन। सो आज हम लोग क्या करेंगे, आज छुट्टी है, कुछ काम नहीं था ज्यादा, तो हमने सोचा भैया एक अवेटेड ट्रिप है इंटरनेशनल पेंडिंग, तो अगर जाना है तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेंगी। उसकी प्रिपरेशन सिर्फ शॉपिंग नहीं होती है, यू गॉट टू पैम्पर योरसेल्फ, एंड द बेस्ट वे टू पैम्पर योरसेल्फ इज पैम्पर योर बॉडी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करेंगे पेडिक्योर। अभी तक आप लोगों ने लड़कियों को तो खूब पेडिक्योर करते हुए देखा होगा, शायद लड़कों को ज्यादा किसी ने देखा नहीं होगा, बट विल डू इट क्योंकि वी कीप डूइंग इट, मैं करता रहता हूँ। सो मैंने एक पेडिक्योर मशीन खुद ही घर पर परचेज करके रख ली है, बिकॉज एट टाइम्स होता क्या है कि हमें टाइम नहीं मिलता, और टाइम नहीं मिलता तो हम कहीं जा नहीं पाते, और सलोन नहीं गए, नहीं जा पाए तो पेडिक्योर होगा नहीं, विच मेक्स फीट प्रीटी बैड। अभी भी मेरी फीट बहुत गंदी शेप में है, तो अभी मैं आज पेडिक्योर करूंगा। मेरे पास सारा पेडिक्योर का स्टाफ है, आई हैव गॉट अ पेडिक्योर मशीन, आई हैव गॉट पेडिक्योर एक्सेसरीज जिससे हम पेडिक्योर करेंगे, इक्विपमेंट्स जिन्हें कहते हैं, हम सारे के सारे इक्विपमेंट्स मेरे पास है। मेरे पास तीन क्रीम्स का सेट है, तीन चीज़ों का। इसमें क्या है, एक तो है फुट क्लीजनर, एक फुट स्प्रे है, एक फुट स्क्रब है और एक फुट क्रीम है। अब पहले सबसे पहले हमें किससे शुरू करना होता है, हमें शुरू करना होता है फुट क्लीजनर से। इस फुट क्लीजनर को हम फोर ड्रॉप्स या आई गेस फोर टीस्पून्स की क्वांटिटी में हम इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें 15-20 मिनट तक इसके अंदर अपने पैर को रिंस करना है, और 15-20 मिनट के बाद जब हम अपना पैर निकालेंगे तो हमें फुट स्क्रब अप्लाई करना है अपनी फीट पर, और उससे हमको रब करना है सो दैट हमारे जो पोर्स है वो खुल जाए, और उसके बाद रब करने के बाद हमें थोड़ी देर उसको सूखने को छोड़ना है, फिर उसके ऊपर हमें क्रीम लगानी है सॉफ्टली, और थोड़ी देर पैरों को एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स हमको ऐसे ही छोड़ देना है, और 10 मिनट्स बाद जब हमें फीट को सिर्फ पानी से वॉश करना है, एंड विल सी विल डेफिनेटली सी अ गुड चेंज। और इन द मीन वाइल जो ये क्रीम वगैरह जो स्प्रे वगैरह हम लगाएंगे, उनमें से हमें जितने भी हमारे पैरों में मैल या डर्ट जितना भी जमा होता है वो सारा निकालने के लिए हमें इक्विपमेंट्स का यूज करना है, विच हैज गॉट एवरीथिंग, नेल कटर से लेकर सीजर और डीप इक्विपमेंट्स भी, और छोटे छोटे इक्विपमेंट्स भी जिनसे हम वी कैन गेट इनटू द नेल्स डीपर, फाइन। तो उसके उन चीजों का यूज करते हैं हम लोग, इनको इससे नेल्स को फाइन भी कर सकते हैं, सो वी कैन डू एवरीथिंग विद ऑल दीज इक्विपमेंट्स। आई थिंक दीज आर इनफ, जूसना तो बहुत करती थी और मेरा थोड़ा कम हो जाता है, बट देन मैं भी कोशिश करता हूँ 5-6 महीने में एक बार करूँ। उसके लिए तो एक्चुअली मैंने गिफ्ट उसी को किया था, बिकॉज शी इज मोर इनटू दिस ब्यूटी स्टफ, बट देन उसको देखते देखते थोड़ा सा आदत मेरा बन गया, ज्यादा से ज्यादा उसको इक्विपमेंट्स मैं भी यूज कर लेता हूँ, और उसी से वो चढ़ती है। क्यों भाई? हाँ अभी आज बैठ कर मुझे देख रही है अच्छे से, कह रही है बेटा करो, फिर बातें बताती हूँ तुम्हें, और मुझे साफ इंस्ट्रक्शन आए कि पूरा खत्म नहीं करना तुमने इसको, कि तुम ज्यादा ज्यादा लगाने के चक्कर पूरा फिनिश कर दो, मेरे लिए ना बचे, क्योंकि हम मंगाते हैं और हम 2-3 बार में खत्म कर देते हैं, एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ बिट एक्सपेंसिव, बट ज्यादा महंगा नहीं, ठीक ठीक है, आप परचेज करना, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, काफी सारे ब्रांड्स हैं इसके अंदर अवेलेबल, ज्यादा चीप ज्यादा महंगा भी नहीं है, एंड इवन दिस मशीन इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, सस्ती है, आपको ऑनलाइन सब कुछ मिलेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, हम करना शुरू करते हैं, ठीक है।
सो आपको एक टॉवल भी अपने पास रखना है सो दैट आपका ज़्यादा एरिया वेट ना हो, बाकी तो क्लीन कर देगी भाई, बट देन टॉवल अपने पास होना चाहिए सो दैट अगर आपका पानी कहीं पर भी गिरे तो आप उसे साफ कर सकते हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ। सबसे पहले हम डालेंगे फुट क्लीन में जो कि है इस बॉटल में, इसको हम पोर कर लेते हैं इसमें। अब देखिए आप इसको क्लोजअप से दिखाओ जरा, देखो हाउ इज इट वर्किंग। अभी इसमें क्या हो रहा है ना, ये उस लेवल पर है जहाँ पे इसमें पानी हीट हो रहा है और इसमें ना बहुत स्लाइट हीट होता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, सारे टेम्परेचर कंट्रोल है इसके अंदर, फाइन जैसा आप चाहें। अभी नाउ द टेम्परेचर इज प्रीटी फाइन, सो आई गेस मुझे पैर अंदर डालने होंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, दिस हैज गॉट अ प्रीटी जकूजी इफेक्ट, मतलब आप इसे कह सकते हैं कॉम्पैक्ट जकूजी है। नीचे से पूरा वाटर फ्लोट हो रहा है, नीचे इसके नीचे ना वो स्क्रबर सॉर्ट ऑफ लगे हुए हैं जिससे कि आप अपने फीट को क्लीन कर सकते हैं। अपने फीट को अगर आप रोटेट करते रहेंगे तो आपका फीट जो है वो क्लीन होता रहेगा। सो दिस विल गिव यू अ वेरी गुड इफेक्ट एंड एट द सेम टाइम क्लीन, बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। अब 15-20 मिनट बाद ये होने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पर मिलता हूँ। वैसे ये करते करते कितना टाइम लगेगा इसे? इसमें बेटा अभी देख 5 मिनट्स हुए, 10 मिनट्स और होंगे और उसके बाद हमें ना ये स्क्रब है ना ये वाला, सब उंगली लेनी है, सब चेक करना है इसको क्या है क्या नहीं है, क्या कर रहा है भाई तू, इससे क्या कर रहा है। हाँ चाहे हाथ पे लग जाए, इसको चैन नहीं है। ब्लॉक के बीच में जरा सा ब्रेक लिया, साला इक्विपमेंट्स पे चालू हो गया, पूरा इंजीनियर बनेगा ये। हैं इसमें सर बहुत अच्छा झाग बन रहा है। हाँ अभी से झाग ही बन रहा है क्योंकि इसके अंदर ना जितना भी वो जो जितना भी ये सोप आ रहा है ना इसके अंदर, उसी से हमारे पैर क्लीन हो रहे हैं। तो ये सब झाग तो बाहर भी निकल जाएगा धीरे धीरे अब तो? हाँ कोई ना, बस वो ये बाहर बाद में सफाई करना पड़ेगा। ओके बट बड़ा मजा आ रहा है इससे। हाँ बड़े अंदर गुल गुल गुल। हम चाहे ना हम इसके झागों को बंद भी कर सकते हैं, अगर हम इसे दबा देंगे तो झाग बंद है। ओके गुदगुदी गुदगुदी होता रहेगा ये तो पैर में। हाँ इससे So, अभी ये हमारे पास अब स्क्रबर आ गया, मेरा 15 मिनट्स हो गए हैं। सो नाउ आई विल स्क्रब द फीट, अभी मैं फीट स्क्रब करवाऊंगा। उससे क्या होगा कि स्क्रबिंग से क्या होगा मेरे पोर्स खुलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं एक मिनट अपने पहले फीट क्लीन कर लेता हूँ। चादिया देखा आप लोगों ने कितना ज्यादा ही, तभी मैं इनको बोलती हूं। गंद नहीं है ये, पानी है सिर्फ, पानी नहीं है आपने पूरा वो कर दिया। इट इज वेरी सिमिलर टू सोप वाटर। क्यों सेटी? अब पता क्या करना है, इससे रबिंग होगी सही रफ पूरे फिट ऊपर बना मत रखता है। अब इसको जेंटली हमको रब करना है एटलीस्ट फॉर 2-3 मिनट्स या 3-4 मिनट्स, क्योंकि जितना ज्यादा इसको रब करेंगे उतना ज्यादा हमारे फीट को पोर्स खुलेंगे और वो फीट और सुंदर और अच्छा होगा। फाइन सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। उसका ट्राई करते हैं भाई, इसमें कुछ करना है इसको दबाना है बस हो गया। तो शू करो नहीं, अब एक्चुअली हमें क्या करना है ना, हमें इसको ना इसमें ना जितने भी डेड टिश्यूज है ना और जितने अब हमें जितने भी क्रैक्स है वहाँ पर स्पेशली हमको रफ करना है, क्योंकि जितने भी डेड टिश्यूज होते हैं वो इससे अच्छे से ओपन अप होते हैं। क्योंकि अगर हम स्क्रब से अच्छे से करेंगे ना तो हमारे क्या होंगे, डेड टिश्यूज हट जाएंगे और जितने भी क्रैक्स हैं उन पर तो हमें बहुत ज़्यादा करना है जिससे कि वो कवर अप हो। सो अब फाइनली इसके ऊपर स्क्रब रब हो चुका है, अब बस मुझे क्या हमको ना जितना भी डेड स्किन है ना उसको रब करके क्लीन कर देना है, इससे क्या होगा हमारा फीट सॉफ्ट हो जाएगा। सो जितना भी हमने स्क्रबिंग करी अभी अपने स्क्रब से उसको इस स्क्रबर से हम लोगों को अच्छे से क्लीन करके साफ कर देना है, इससे फीट के जितने भी डेड टिश्यूज होंगे सब खत्म हो जाएंगे एंड इट विल गिव यू गिव फीट अ फ्रेश लुक। अब हमें अपने इक्विपमेंट केस में से ये वाला इक्विपमेंट निकालना है क्योंकि हमको ना नेल्स के ना ये साइडों से क्लीन करने हैं, ठीक है। और साइडों से इससे क्लीन होते हैं, वैसे तो कई सारे इक्विपमेंट्स हैं, कई सारे तो मुझे पता भी नहीं है, आई एम नॉट वेरी मच नोन टू इट, ठीक है। तो ये कई सारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें से हमें ये वाला इक्विपमेंट निकालना है, नेल्स के साइडों से इसको क्लीन करना है, बंद कर मिनट्स मसाज करना है और फिर वेयर डाल, फिर इसके बाद ये फुट क्रीम अपना जादू अपने आप दिखाएगी। उसके बाद हम लोगों को बिल्कुल एंड में फुट क्रीम लगाने के बाद अच्छे से पैर को साफ कर लेना है टॉवल से और फिर हमें ये फुट स्प्रे लगाना है एंड देन वी आर कम्प्लीटली फ्रेश। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोसेस इज दैट इट ओनली इतनी फ्रेश नहीं होता है, उसके साथ साथ आपको अच्छा फील होने लगता है बिकॉज जितना भी डेड स्किन होता है
आपके फीट से निकल चुका होता है. तो द बेस्ट पार्ट इज कि आप बहुत फ्रेश फील करते हो इन टर्म्स ऑफ योर फीट. सो बिकॉज यू डोंट फील द डेड स्किन. डेड स्किन सबकी इकट्ठी होती है. द ओनली थिंग इज वी डोंट क्लीन इट अप. आपका बस पूरे से बचन बस अब इससे हमें रब करना है फॉर अनदर 5-7 मिनट्स एक दोनों फीट और फिर उसके बाद हमारा काम हो गया. अब फाइनली मेरे इस पे क्रीम लग चुकी है डन. अब आप देखिए मेरे फीट का फाइनल लुक एंड दिस इज द फाइनल लुक. पूरा क्लीन हो चुका है. लुक एट दिस द कंप्लीट फीट इज कम्प्लीटली क्लीन फाइन. अब लास्ट प्रोसेस पे क्या है मुझे सिर्फ फुट स्प्रे अप्लाई करना है लाइक दिस. सो नाउ वी आर फाइनली डन. अब इसके बाद क्या करेंगे ना अब इसके बाद सत्यम करेगा बट वो प्रोसेस आपको नहीं दिखाएंगे. टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बिकॉज आपको दिखा चुके हैं. सो अभी सत्यम का नंबर है उसके बाद फिर इसकी भाभी करेगी. सो दिस इज ऑन द गो. अभी सत्यम बैठ के करेगा. हमारा हो गया पूरा. सो दिस ऑल फ्रॉम द पेडिक्योर डे. अब इसके बाद बाकी का काम करेंगे और ट्रिप की प्लानिंग यहीं से चालू होती है. मतलब ट्रिप की प्रिपरेशन चालू होती है. सॉरी प्लानिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है. सो प्रिपरेशन स्टार्ट्स हियर. मेरा काम पूरा हो चुका है. सो आई एम लीविंग. अब सत्यम करेगा. अब ये सत्यम करने लग रहा है. इसका भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. सो ही विल ऑल्सो टेक 20-25 मिनट्स और फिर उसके बाद सब डन और इसका ही पेडिक्योर पूरा हो जाएगा. सो फाइनली आज रोहित के जाने का टाइम आ गया है. रोहित इज गोइंग नाउ एंड विल मिस हिम अ लॉट. बड़ी मस्ती करी हम लोगों ने इस बार साथ में और अभी अगली बार आएगा तो और ज्यादा करेंगे. मेक श्योर जल्दी आना अभी ठीक है. एंड विल कम सून देन फिर आपको और एंटरटेनिंग व्लॉग्स देंगे. बट रोहित को बहुत मिस करेंगे. बट रोहित वहां जाके व्लॉग्स देखने रोज. चलो विल सी यू. आज हम इस व्लॉग को यही एंड करेंगे. क्यों? क्योंकि सबको हंसी आ रही है. साले सब मजे ले रहे हैं. आज सबका मस्ती का मूड था. आज टायर्ड भी बहुत हो गए थे. काफ़ी सारे काम किए आज और थोड़ा थक गए. टायर्ड थे तो ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाए. बट जितना भी था आपके आपको दिखा रहे हैं. आपको वीडियो में दिख जाएंगी वो चीज़ें. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस व्लॉग. स्टे सेफ स्टे हैप्पी. ओम साई ओम.